बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े का शवारमा पिज़्ज़ा तैयार होता है, तो आपने बस इसको ध्यान से फॉलो करना है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम एक कप दही लेंगे। आज हम शवारमा पिज़्ज़ा थोड़ा स्पाइसी तैयार करेंगे, तो यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्च ली है, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ली है और 1/4 टीस्पून पीसी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा और इसके बाद 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट आपने फ्रेश लेना है। अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इसी दौरान अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने हर चीज़ अच्छे से मिक्स कर ली है। तो अब हम इसमें 200 ग्राम चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में लेना है और बोनलेस लेना है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 टेबलस्पून घी लिया है। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमने कढ़ाई में घी डाल के गर्म किया था, अब हम उसमें ये चिकन डाल देंगे और इस चिकन को हम अच्छे से पकाएंगे। और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि जो हमने दही इसमें डाला है और उसी में हमने चिकन को अच्छे से गलाना है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर अच्छे से गल चुका है और हमारा पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब हम शवारमा पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शवारमा ब्रेड लिया है और हम इसके ऊपर चिल्ली गार्लिक सॉस लगाएंगे। चम्मच के साथ हम इसको अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है, प्याज लिया है और खीरा लिया है। तो आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर नहीं लिया। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बंद गोभी और प्याज लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर खीरे डाल देंगे। इसके बाद अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाएंगे, फिर हम चेडर चीज़ लगाएंगे। तो अब हमने जो चिकन तैयार करके रखा था, अब हम उसको इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। अब हम इसके ऊपर दूसरा शवारमा ब्रेड ऊपर रख देंगे। अब हम इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। तो ये मायोनीज मैंने घर पे तैयार की है, तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से चम्मच के साथ ऊपर लगाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। इसके बाद हम चेडर चीज़ इसके ऊपर लगाएंगे। तो आज हम ये शवारमा पिज़्ज़ा ओवन में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, तो ये हम आज पतीले में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है और इसमें एक स्टैंड रखा है जिसको मैंने पहले गर्म कर लिया है। तो अब हम इस ट्रे को इस स्टैंड के ऊपर रख के इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारा शवारमा पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है। तो ये बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे, तो इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जितना देखने में खूबसूरत लग रहा है, उतना खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का तैयार हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।